उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने संविदा शिक्षकों को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला लिया है। मंगलवार को कैबिनेट की बैठक लोक भवन में हुई है। इस बैठक में मुहर 10 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लगी है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण रहा है मेडिकल कॉलेजों में संविदा शिक्षकों के वेतनमान में वृद्धि संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी देना। यही नहीं, राज्य संपत्ति विभाग के स्टाफ पूल में कंडम हो चुके 16 वाहनों की नीलामी के बाद अब 16 नए वाहन भी खरीदने के प्रस्ताव को कैबिनेट की बैठक में स्वीकृत कर लिया गया है। खबरों के मुताबिक जो नए वाहन खरीदे जाने हैं उनमें फॉर्च्यूनर और एक इनोवा क्रिस्टा सम्मिलित हैं। नए वाहन 4.75 करोड़ रुपए में खरीदे जाएंगे। मेडिकल कॉलेजों में संविदा पर जो प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं उनके वेतन में वृद्धि कर दी गई है। अब प्रोफेसर को 90,000 नहीं बल्कि 1,35,000 रुपए प्रतिमाह प्राप्त होंगे। उसी तरीके से एसोसिएट प्रोफेसर को भी अब 80,000 की जगह 1,20,000 रुपए मिलेंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर का भी मानदेय 60,000 रुपए प्रतिमाह से बढ़ाकर 90,000 रुपए प्रतिमाह कर दिया गया है, जबकि लेक्चरर का मानदेय 50,000 रुपए प्रतिमाह की जगह 75,000 रुपए प्रतिमाह कर दिया गया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई और आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप यह वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।